सुने है कोई मेरी इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक सजा। कान जी, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें आप जैसे बेदाग ईमानदार नडर इंसान को असेंबली में बैठना चाहिए ताकि इन हालात का मुकाबला हो सके। मेरे शिनाख्ती कार्ड में वल्दियत के खाने में मेरी माँ का नाम हो ताकि मेरी शिनाख्त मेरी माँ के नाम से हो, मेरे बाप के नाम से नहीं। वजा साहब, आगे आपके जज्बाती के इतनी बदतमीज तो ना थी। हो गई हूँ बदतमीज में। जब तक आपकी गोद में थी मुझे नहीं पता था कि बिना बाप के बेटियां किस तरह रहती हैं। बाहर निकली हूँ तो सोसाइटी ने मुझे यही सिखाया। केस जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पहली हेयरिंग पर तुम जलील हो जाओगे। माल नामे कुछ इसी तरह के होते होंगे सुल्तान लाला, जो क्यामत के रोज एक कागज की सूरत में लाके आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे कि जो गुनाह तुम करके भूल गए थे वो तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ इसी तरह, है ना? हाँ जी, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, कसूर तो उनका है। इस बच्ची के हवाले से खुदा के आगे कौन जवाबदेह होगा सुल्तान लाला, मैं या राजवर? अरे इसे पढ़िए तो सही, देखिए कितना गुस्सा है उसमें। कानून के लफ्जों में भी उसकी नफरत उछल उछल के गिरबान पकड़ रही है मेरा। हाँ जी, मुझे लगता है ये ब्लैकमेल कर रही है आपको। ब्लैकमेल किस लिए करेगी? जमीन जायदाद रुपया पैसा गाड़ी बंगला? अगर ताजवर को ये सब कुछ चाहिए होता ना लाला, तो आज वो यहाँ इस घर में होती मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। नहीं लाला, नहीं, ना तो ताजवर की तरबियत इतनी घटिया हो सकती है ना मेरा खून। लेकिन खान जी, वो आपको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है? बदनाम? अरे पढ़िए तो सही इसे, वो तो ये कह रही है कि उसको मेरा नाम ही नहीं चाहिए। हाँ जी, वो आपको अदालत के कटहरे में बुला रही है, इससे बड़ी और बदनामी क्या होगी? अरे लाला, उसने मुझ पे केस नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक फरीक हूँ इसमें, और मुझे तो कटहरे में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका फैसला मेरी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। हाँ जी, आप कोई आम आदमी नहीं है, आपका नाम जरूर उछलेगा, आप जाएं या न जाएं। और अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उन्होंने मेला लगा देना है, और इस बार इलेक्शन में आप खुद खड़े हो रहे हैं। वो तो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं उस लड़की के पास जाऊं और जाके उसके आगे हाथ जोड़ूं कि मुझे माफ कर दे? उसकी मिन्नत समाजत करूं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, उस बच्ची के आगे जिसकी शक्ल आज तक नहीं देखी मैंने? दो टके का कर दिया तुमने मुझे, दो टके का जरब के सामने। तुमने उसको नोटिस नहीं, उसको बिल भिजवाया, बिल अपने 20 साल के खाने पीने
कपड़े, इलाज, तालीम, सब का बिल। अच्छा, तो इस सब का मतलब वो ये लेंगे? इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि वो इससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं जितना मैं उन्हें समझती थी। तुम किसी को भी दिखा दो, इसका यही मतलब है कि तुमने इनडायरेक्टली उसकी जायदाद से अपना हिस्सा मांगा है। लानत भेजती हूँ मैं उनकी जायदाद पे अम्मी। लानत तो तुमने मुझ पे भेजी है, मेरी 20 साल की तरबियत पर, मेरी मेहनत पर, मेरे वकार पर, मेरी खुददारी पर। मुझे बिल्कुल गिरा दिया तुमने जरक के सामने। इधर मैं तुम्हारी एडमिशन के लिए लोगों के मिनते तरले कर रही हूँ और यहाँ तुम खड़ी हो एक छुरा लेकर मेरी पीठ पे खोमटने के लिए। अम्मी, आपको अपना वकार, अपनी खुददारी नजर आ रही है, मेरी महरूमी, मेरी तकलीफ नहीं नजर आती। क्या जाला हो जाएगा तुम्हारी महरूमी का? क्या मिलेगा इस केस के बाद कि वो आके तुम्हें गले लगाएगा, अपने 20 साल की मोहब्बत और शफकत एक डब्बे में डाल के तुम्हें दे देगा? तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुमने केस किया। तुम्हारा नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा उसके साथ। इस मुल्क की कोई भी अदालत उसे हटा नहीं सकती। और मेरी तो समझ में नहीं आता ये कोर्ट ने ये केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे ये सुनवाई हो रही है। अम्मी, इसीलिए अदालत खुदगर्ज नहीं होती, वो अपनी इज्जत और वकार बचाने के लिए दूसरों का मुंह बंद नहीं करवाती। तो तुम कोर्ट क्यों जा रही हो? जाओ तमाशा करो किसी चौराहे पे, धरना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ह्यूमन राइट्स के कमीशन के पास जाओ। एक आध पेशी से तुम्हारी क्या बढ़ास निकलेगी? जाओ सारों के सामने उसके गरेबान पकड़ो, चीखो चलाओ। और तमाशा तो तुमने खूब बनाया मेरी इज्जत का। ये किसका आइडिया था बताओ? यूनिवर्सिटी समन भिजवाने का, बताओ मुझे। फरजाद का था, सुबह से शाम तक आप यूनिवर्सिटी में ही तो होती हैं। वो कौन है? लॉयर है मेरा। मेरी बात कराओ उससे, बात कराओ। खान जी, मैंने वकील से बात की है, वो बोल रहा है। क्या? इस केस में जान नहीं है, शायद एक ही पेशी में फारिग हो जाए। क्यों परेशान हो रहे हैं? उसे अपना गुस्सा उतारने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, अदालत के बाहर किसी ने सुन लिया तो बड़ी पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। इस केस को अदालत के बाहर ही खत्म करना पड़ेगा और इस एक पेशी की कीमत पूछनी पड़ेगी इस लड़की से। वो आप एक काम कर लीजिए, फिल्मों में कहानियां लिखनी शुरू कर दीजिए, बिला वजह अदालत का और हम जैसों का टाइम नहीं बर्बाद होगा। मियां बात सुनिए, जिस तरह आप अदालत लगवाना चाह रहे हैं ना, उस तरह अदालतें नहीं लगती हैं। मजाक बनाया हुआ आपकी जनरेशन ने। एक बात को अच्छी तरह कान खोल के सुन लीजिए, जिसका दिल करे मुंह उठा के वकील बन गया बगैर लाइसेंस के और किसी भी गधे घोड़े को उठा के कटहरे में खड़ा कर दे। मजाक समझ रहे हैं आप इसको? तो वही बात होगी, नाउजुबिल्ला खुदा पे केस कर दिया। जो दिल में आए बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। ना जज का एहतराम, ना कोर्ट की रिस्पेक्ट। एक बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये रियल वर्ल्ड है, मजाक नहीं हो रहा है, कोर्ट है, कोर्ट। सर, मैं अपनी कहानी लेके नहीं जा रहा हूं। वो इस सोसाइटी की जीती जागती लड़की है, उसका हक बनता है कि वो अपने राइट को अदालत में लेके जाए। और पूरी दुनिया में एक आप ही नर्म दिल के आदमी मिले जो उसका केस लेके जाएंगे, वो भी मेरे चैंबर से। सर, ये केस मैं आपके चैंबर से फाइल नहीं कर रहा, ये केस मैंने पर्सनली फाइल किया है। जबरदस्त फरजान साहब, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया, सोने पे सुहागा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लूं? और बता देते हैं कि ये वकील साहब सिर्फ मेरे चेंबर से नहीं, बाहर भी इन्होंने एक दुकान खोली, टेबल डाल के धंधा चला रहे हैं। सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद ही छोड़ देता हूं आपके चैंबर को अगर मेरी वजह से आपकी रेपो खराब हो रही है तो। अरे सर, क्या कह दिया आपने, जरा नवाजी है आपकी। जो काम मैं सोच भी नहीं सकता था वो आप कर रहे हैं, खुद ही छोड़ रहे हैं। वो तो आपके वालिद का ख्याल आ जाता है, इसलिए मैं खामोश था।
अगर वो नहीं होते ना तो आपको कब का यहाँ से निकाल के फेंक चुका होता। तो सर आप मुझे पहले ही बता देते। ये बोझ मैं आपके सर से बहुत पहले ही कम कर देता। थैंक यू सो मच। सुनिए, जिन साहब से आप पंगा लेने जा रहे हैं, कपड़े तो बहुत दूर की बात है, इतना सा खाल का टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा जिसम पे। जो कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जाइए। इनाम, इधर आइए। बेटे मैं दोपहर से मांग रहा हूं यार, वो फाइल आप लाके क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लीज। केस वापस लेना है। ये किससे कहा आपने? जब कोई क्लाइंट इस तरह मुंह लटका के बैठता है तो इसका यही मतलब होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने धमकी दी है? डरती हूँ मैं उससे। तो बस थोड़ी सी अपसेट हूँ। अम्मी इतनी अपसेट हो गई है उस बात के बाद। भाई कभी कभी तो मुझे अम्मी से नफरत होना शुरू हो जाती है। जिस इंसान ने सारी जिंदगी उन्हें जलील किया, वो चाहती है कि मैं उसकी इज्जत करूं। उसने तो उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल के यूं फेंक दिया और वो चाहती है कि मैं उसे माफ कर दूं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूं। आपको तो सिर्फ नाम की प्रॉब्लम है, मुझे तो excuse me। प्रजाद भाई, ये आपका कुछ सामान है और ये बिल्स थे कुछ आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस के। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने चैम्बर छोड़ दिया। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई नहीं यार, चैम्बर छोड़ा है, वकालत थोड़ी छोड़ी है। और ये बिल के पैसे लेते हुए। अरे फरजाद भाई, फिर कभी जरूरत नहीं है इसकी। कम ऑन यार, तुम्हारा बिल है तो ये रखो। थैंक यू। क्या हुआ? हाँ, चैम्बर छोड़ दिया आपने? हाँ नहीं, कुछ मैंने छोड़ दिया और कुछ उन्होंने निकाल दिया। मेरे केस की वजह से हुआ ये? निशा, ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये गुस्सा आपकी आवाज बनके बुलंद होना चाहिए। वो जो माँ बाप गंदे अंडे की तरह बच्चों को उनकी माँ की गोद में छोड़ के चले जाते हैं, वो माँ आंसू पी पी के अपना खून जला जला कर उनको बड़ा करती है। बड़ा होने के बावजूद वो ऐसे इंसान की वलियत के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। और उन बच्चों के लिए भी जिनके बाप अपना नाम देने से कतराते हैं, उनका कसूर क्या होता है? सिर्फ यही कि वो तीसरी जिंस के पैदावार होते हैं और तमाम माशरा उन्हें हिजड़ा कह कह के तंग करता रहता है। लेकिन माएं अपना ताल्लुक उनसे खत्म नहीं करती, क्योंकि दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चों को डिसोन नहीं कर सकती। जब कयामत के दिन हम अपनी मां के नाम से पुकारे जाएंगे तो ये ऑप्शन अभी क्यों नहीं है? अभी कौन सी कयामत आ गई है? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये केस हम हार जाएंगे, क्योंकि अदालत में फैसला
उस मुल्क की रोशनी के कानूनों के थ्रू होती है, लेकिन लेकिन एक तरीके से हम ये केस जीत सकते हैं, अगर इस अदालत से हमारी केस की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, जहां ये तमाम कानून बनते हैं। आपके पास सोचने के लिए 2 दिन। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पहचाना नहीं? सुल्तान भाई, हाँ जी, याद पड़ता था कि आप चीनी नहीं पीते। अरे क्या तकलीफ की नहीं, है? नहीं। क्या जरूरत थी? ओ मेरे, ये मैं क्या खा सकता हूँ? खाली चाय प्लीज। चाय? कैसा है वो? वैसे ही है जैसा आप छोड़कर आई थी उसे। मैंने छोड़ा था? उसकी मजबूरियां थी, इकलौती औलाद थी, कौन देखभाल करता आपकी? इसलिए तो मैंने जाने दिए। जब आप उनके नाम पर सारी जिंदगी बैठी रही तो उनके पास क्यों नहीं रह सकती थी? आप तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों करें ये सवाल? किसी कबीले का सरबरा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? आपको मैं क्या समझाऊं, जब मैं उनको नहीं समझा सकी जो मेरे इतने करीब थे। मानता हूँ, मानता हूँ, बड़े खान जी बहुत सख्त आदमी थे, जुल्म करते थे, जान लेते थे लोगों की, लेकिन खान जी तो उनसे बिल्कुल अलग है, उन पर तो लोग जान देते हैं, वरना चल कर देखिए आप, इतना कुछ तब्दील कर दिया है। मुझे तो सिर्फ एक तब्दीली के बारे में पता है, उन्होंने 1 साल के अंदर ही शादी कर लिया अपने चाचा की बेटी से। हाँ, वो उनके नाम पर बेटी थी। कितने बच्चे हैं उनके? 1 बेटा। फैज नाम रखा होगा उसका, हम दोनों ने पहले से सोच लिया था, बेटा होगा तो फैज, बेटी होगी तो निशा। एक मेरे पास आ गई और एक उनके पास। निशा, सुल्तान भाई से मिलो। हम आपसे मिलने आए बच्चे। आपका गुस्सा
बिल्कुल दुरुस्त है। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। खान जी को भी इस बात का बहुत दुख है। भर आती हैं उनकी आंखें जब वो आपके बारे में सोचते। ये बिल्कुल मत सोचना बच्चे कि उन्होंने मुझे भेजा है यहां पर ये सब कुछ बोलने के लिए। मैं उनसे छुप कर आया हूं आपसे मिलने। अल्लाह पाक की कसम वो भी यही कह रहे थे कि उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है सुल्तान। मैंने जब उनकी सरपरस्ती नहीं की तो उनको रोकने का भी इख्तियार मुझे नहीं है। वो मैं कहता हूं दूरियां और पैदा हो जाएंगी। यो दिलों में मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी। बेशक आप उनसे मिले, हाँ अपना गिला करें, मैं आपको मिलवाऊंगा, हाँ यहां इधर बिठाऊंगा आपके सामने। जो बात आपके दिल में है वो बोलो, जो नहीं मिला वो सब कुछ मांगो, वो सब मिलेगा। वो खरीदने आया मुझे ना? नहीं बचे, मैं सुलह करवाने के लिए आया। किस बात की सुलह? किस बात की सुलह? मेरी आपके खान जी से कोई लड़ाई नहीं है। मैंने तो सिर्फ नादरा को एड्रेस करवाया। आपके खान जी उसमें सिर्फ एक फरीक हैं, फरीक। जंग है बच्चे, जंग। क्या फायदा है? आप किसी पर भी केस करें, नाम उन्हीं का आएगा, पगड़ी उन्हीं की उछलेगी। वाह वाह, आपके खान जी की पगड़ी उछले तो आप फौरन आ जाएं। इनके दुपट्टे का कभी नहीं सोचा? बड़े कबायली बनते हैं आप लोग, है ना? लेकिन इज्जत सिर्फ उन औरतों की करते हैं जो आपके कबीले की होती है, आपकी मलकियत होती है। इन्होंने मलकियत बनने से इनकार किया, आपने धुतकार दिया। मैंने क्या हल्की सी आवाज बुलंद की, मुझसे डील करने चले आए? नहीं नहीं बच्चे, ये बात नहीं है। चले ठीक है, ऐसा करते हैं कि डील करते हैं। बैठे। फिर मैं जो कहूंगी आपको मेरी बात माननी होगी। हाँ बोलो बच्चे। मुझे हर उस शख्स की आंखें चाहिए जिसने मशकूक होकर मुझे देखा कि मेरा बाप कहाँ है। हर उस शख्स की जबान चाहिए जिसने मुझसे पूछा कि मेरा बाप कौन है। हर उस शख्स की टांगे चाहिए जिसने मेरा पीछा किया। हर उस शख्स के हाथ चाहिए जिसने मुझे लावारिस समझ के छूना चाहा। बाकी प्यार मोहब्बत शफकत माफ किया। मंडे को मेरी पेशी है, मेरा दुपट्टा ले आइएगा और अपने खान जी की पगड़ी ले जाइएगा।
अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। वो शर्जील है ना मेरा दोस्त, उसका अपने घर वालों से झगड़ा हो गया तो यहीं आके रह रहा है। उसी की बर्थडे पार्टी, फ्रेंड्स भी उसी के हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। अगर खान जी तुम्हें इस हालत में देख लेते तो तुम्हें भी किसी के घर में रहना पड़ता। सॉरी दादा, आइंदा नहीं होगा। तुम किस नस्ल, किस कबीले, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो ये हमेशा तुम्हें याद रखना चाहिए। दादा कहा ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। तुम यहां पढ़ने के लिए आए थे लेकिन घर का पढ़ाया हुआ सबक भी भूल गए। अब पर ही नहीं वो दादा, बाबा को तो नहीं बताएंगे ना? दादा दादा प्लीज, दादा प्लीज ना दादा। ओ यार नहीं बताऊंगा, पहले ही एक औलाद की परेशानी उनके गले में। जाओ दोस्तों के पास, जाओ जाओ। वजारत जी कुर्सी ना स्टूल होंदो आ स्टूल, एकड़ी आवाम होंदी आ बी पार्टी एंट्री ब्यूरोक्रेसी, एकड़ी वोट दिए थी बी वजारत एंट्री इज्जत। हने असा जी इज्जत ता जे हथन में आ साईं। साईं क्या कर रहे हैं, वो हम भी तो इस दफ्तर में आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं ना, इसलिए घर बार छोड़ के दिन रात यहीं पर होते। सहिं बार ता जा कुर्ब खपे, असा के मेहरबानी खपे बस। इंशाल्लाह सुमरो साहब, देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव हो जाए। हाँ तुम असाजे घोट छो, अस मेहमानी क्यों, खिदमत क्यों बाबा, अस मौको दियो न। इंशाल्लाह इजाजत दियो, हलां तो मां। ठीक है इंशाल्लाह, हल बाबा। ये तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? वकालत करने गए थे और ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? ये जरा खान के खिलाफ तुम कौन सा केस लड़ रहे हो? मैं जरा खान के खिलाफ तो कोई केस नहीं लड़ रहा। तो मुर्तजा ने किस बात पे तुम्हें अपने चेंबर से निकाला था? जरा खान उसका एक फरीक है। एक ही बात हुई ना, तुमने मेरा कोई ख्वाब तो पूरा किया नहीं, अब मेरी नींदें तो मत हराम करो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जरा खान जैसे लोगों को मैंने आपके सामने हाथ जोड़ते हुए देखा है। जरा खान हाथ उठाने वालों में से है, हाथ जोड़ने वालों में से नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं उसके सामने घुटने टेक दूं? या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तुम्हारी उसके साथ? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी उसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझ आई तुम्हें? तो आपने मुझे यही कहने के लिए यहां बुलाया था? केस तुम ड्रॉप कर दो। I'm sorry, Papa. प्रचाद, आपके दोस्त ने मुझे
अपने चैम्बर से निकाल दिया तो आप मुझे अपने घर से निकाल दें। ठीक कह रही थी आप, वो इस केस का मतलब यही लेंगे कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। ये सब सुल्तान की बकवास है निसा, जरा ऐसा नहीं कर सकता। ये जो सरदारों के चमचे होते हैं ना, ये सब उन्हीं की जबाने बोलते हैं। सुल्तान उसको बहुत प्यार करता है निसा। जब हमारा रिश्ता हुआ था ना, तो सुल्तान भी अपना घर छोड़ के जरक के पास आ गया था। एक्चुअली निसा जरा खुद इस साल इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, और अगर उसके मुखालफिन को एक भी पॉइंट मिल गया ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। एक्सीलेंट, ये तो और भी अच्छा है। इसका मतलब है कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में और जल्दी पहुंच जाएगी। दिमाग खराब कर दिया उस वकील ने तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम? कौन से ख्वाब देख रही हो? ये पूरी दुनिया में कानून नहीं है और तुम यहां बैठ के बदलोगी? प्लीज निसा, प्लीज उसे माफ कर दो। अब अम्मी, मैंने उन्हें माफ कर दिया था। आज सुबह जब मैं घर में एंटर हुई थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं। मेरा मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने अपने एक चमचे को भेजा, फिर भी खुद आने का नहीं सोचा। और आप प्लीज अम्मी, बस कर दे उनकी वकालत करना मेरे सामने। इस समय उसकी वकालत नहीं कर रही। हाँ, आप वकालत थोड़ी कर रही हैं, ये सब तो आप उनके इश्क में बोल रही हैं ना। एक वफादार बीवी की तरह औलाद को ताबेदार बना रही हूँ। तुम्हारी कसम निसा, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। इस लड़ाई का कोई अंजाम नहीं है सिवाय इसके कि तुम और उलझती हुई चली जाओगी। ये गुस्सा, ये नफरत तुम्हारी सारी सलाहियतों को खा जाएगा। मम्मी, अब बचा ही क्या है? आप मुझे खुद बताएं, 6th-7th क्लास में फर्स्ट आने वाली बच्ची ओ लेवल्स में आके क्यों फंस गई? ये लावा बहुत देर से पक रहा था, अब इसे निकलने दें। निसा, जब लावा निकलता है तो क्या होता है? जलजले आते हैं, और मैंने तो ये सब कुछ तिनका जोड़ जोड़ कर बनाया है। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अम्मी, मेरी भी तो इज्जत का सवाल है ना, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? वैसे भी मैं उसे ओके कर चुकी हूँ, जो भी है। देख रहे हैं ये? जो बहाने थे उनके, आपको पता है तब तक इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। ये सब तो मुझ पर एहसान कर रहे थे हमसे जान छुड़वाने के लिए। वैसे ये लेटर काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे केस को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्या इशू है आपका? क्या मतलब? मतलब कि आपके फादर के साथ क्या इशू है? अभी हमें इस इशू पे फोकस करना चाहिए। वैसे आपके फादर आपके साथ ही रहते हैं ना? तो फिर मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है। लेकिन इसमें आपके फादर का क्या कसूर है? वैसे आपकी अम्मी क्यों नहीं रहती आपके साथ? मर गई हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो
इसका मतलब है फिर आपकी स्टेप मदर होंगी ना? नहीं। तो फिर इसका मतलब है आपके अबू ने अटेंशन नहीं दिया आपको, है ना? बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया होगा और आप वहाँ अकेले बैठ के रोते रहते होंगे। बेचारे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। आपको मतलब हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा लड़का था, बेचारे की अम्मी की डेथ हो गई और तो ना उसके अब्बा ने ना उसे उठा के कैडेट कॉलेज में भिजवा दिया। अच्छा फोन तो उठा लें, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। कोई इमरजेंसी नहीं है, वो चाहते हैं कि ये केस मैं छोड़ दूं, कि उन्हें डर लगता है कि कहीं आपके वालिद साहब मुझे गोली ना मार दें। आप इसे क्या ख्याल है, मैं ये केस छोड़ दूं? कुछ काम है बेबी? क्या क्या काम है? उधर गाड़ी में चलो। क्यों, किस लिए? इस केस के बारे में बात कर रही है। देखिए जो बात करनी यहीं पर कीजिए। तो हम चुप करो, ये हमारा आपस का मामला है। चलो बीबी। तुम इन्हें ऐसे नहीं लेके जा सकते। क्या तेरे को मार के लेके जाए क्या? एक मिनट, नहीं नहीं मैं चली जाती हूँ। निशा आप नहीं जाएंगे। आप चुप कर जाएं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं जानू और मेरा काम। चलें। बैठो इधर बैठो। सब जो तुम कर रही हो ना उसे छोड़ दो। केस वापस ले लो वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपने बाप की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जवाब दो, केस वापस ले रही हो या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं, केस वापस ले रही हो या नहीं? एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।